यूएसडी से टोकन फार्मिंग करते हैं, आपको मिलना है $632। इसका कहने का मतलब है कि टोकन फार्मिंग में अगर आप 100 लगाते हैं तो 200 आएगा, 200 लगाते हैं तो 400 आता है, 400 लगाते हैं तो 800 आता है। अब क्या है कि टीम के बदौलत हम इसकी जो समय का डिफरेंशियल है, यानी आना तो है 800 दिन में, 26 से 27 महीनों में पैसा डबल हो जाता है, लेकिन अगर टीम आपका काम कर रहा है तो ये पैसा 27 दिनों में भी डबल हो सकता है, 27-7 दिनों में भी डबल हो सकता है। लेकिन यदि किसी के पास कोई टीम नहीं हो तो केवल अपने बल पर टोकन फार्मिंग, सिर्फ फंडिंग टोकन फार्मिंग करता है, और कोई भी व्यक्ति 300 बीओजी से टोकन फार्मिंग करता है तो सबसे पहली बात है कि उसको 600 बीओजी उनका मिलना है। अब 600 बीओजी 800 दिनों में मिलेगा, भागा 30 यानी 26 महीनों में ये पैसा डबल हो जाता है। लेकिन अंतर थोड़ा समझिए, मैं सभी पार्टिसिपेंट से मैं थोड़ा ये समझाना चाहता हूँ कि यदि हम 30,000 रुपया किसी बैंक में फिक्स कर दे डबल के लिए, तो 12 साल में, अभी का जो सिचुएशन है वो 12 साल के बाद पैसा 60,000 मिल जाएगा। जी, 30,000 जैसे हम जमा करेंगे, आज से 12 साल के बाद एक डेट देगा, एक कागज देगा, उस कागज को हमको लेमिनेशन करा के 12 साल तक रखना है। 12 साल के पहले उस पैसा से ओनली हम नहीं ले सकते। ये सर कितना साल होता है? हम 30,000 जैसे बैंक को देंगे, वो एक कागज बना के देगा, रुकेगा, बहुत बहुत धन्यवाद फिक्स डिपॉजिट के, अभी 23 है, 12 साल जोड़ दीजिए 25 यानी 35, 2035 में आपका फलाना डेट को 60,000 रुपया खुलता है, आप ले ले सकते हैं। 60,000 रुपया 12 साल के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कहां 12 साल और कहां 26 महीने, जब आप 30,000 रुपये लगाते हैं तो अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपको 26 महीने और 27 महीने के बीच में 60,000 रुपया मिलेगा, यानी 9.5 साल आपका समय बचा। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आज आप 30,000 डालते हैं यानी 300 बीओडी डालते हैं तो 300 का 0.25% रोज यानी प्रत्येक दिन 300 का कितना, 300 का 0.25% 0.75 यानी इसका मतलब है कि अगर एक बीएसडी 100 रुपये का है तो 75 रुपया हमको प्रत्येक दिन मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक 60,000 मेरा पूरा नहीं हो जाता है। तो 60,000 कब पूरा होगा? 27 महीना बीतते बीतते ये 60,000 पूरा हो जाएगा। अब अंतर समझिए, यदि हम इसको 30 दिन से गुना करते हैं तो मेरे पास आता है 22.50 बीओसडी। अगर हम इसको 100 से गुना करते हैं तो 2250 रुपया प्रत्येक महीना आएगा, प्रत्येक महीना आएगा, प्रत्येक महीना आएगा। कब तक? जब तक हमारा 600 बीओसडी यानी 60,000 रुपया आ नहीं जाता है। अब यहाँ क्या है, एक महीने के अंदर मैं 2250 यानी 22.5 22.5 बीओसडी बनाया। अभी मेटा का रेट 12.30 है तो प्रत्येक 15 दिन में एक मेटा हम बना लेंगे, 15 दिन में एक मेटा और फिर 15 दिन में एक मेटा, महीना में 2 मेटा बनेगा। यानी जो हम 30,000 लगाएं वो 60,000 तो मिलेगा, ये फिक्स हो गया। जो हम 30,000 लगाएं उसका 0.25% रोज मिलेगा, ये भी तय हो गया। लेकिन अगर कंपाउंडिंग हम करना चाहते हैं, अगर हम मेटा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक महीना 2 मेटा बनेगा, और जो मेटा हम मेटा को स्टॉक कर देंगे, और जो मेटा का रेट बढ़ेगा, हो सकता है अभी आप लगाते हैं और 27 महीना
2023 2024 भारत में 24 महीना और 2025 2024 2025 में आपको 27 महीना पूरा हो जाएगा और हो सकता है 2 साल के अंदर 1 मीटर का दाम 1 लाख हो तो 2 मीटर का दाम 2 लाख हो जाएगा। 1 महीना का मीटर अगर हम स्टॉप कर दे तो ये मीटर हमारा 2025 में 2 लाख रुपया दे सकता है, 30,000 से 60,000 तो मिलेगा। और हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास 100 BUC होगा हम फिर फार्मिंग करेंगे, हमारी वैल्यू है 300 का, 300 BUC का हो जाएगा 400 BUC का, 300 BUC होगा फिर हम फार्मिंग करेंगे, मेरा वैल्यू हो जाएगा 300 BUC का, फिर 100 होगा फिर हम भी फार्मिंग करेंगे, हमारा BUC 700 BUC का हो जाएगा। हम 300 लगा करके 1,000 BUC का फार्मिंग हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिकम्पाउंडिंग फार्मिंग। मेरी बात को समझ पा रहे हैं देवकी सर? जी सर, जी सर, अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि बढ़िया से समझाए? नहीं सर, समझ रहा हूँ सर, बहुत अच्छा तरह से समझ रहा हूँ। कंटिन्यू करिए सर। आवाज जा रही है सर मेरा? आवाज बीच में कट गया सर आपका। हेलो सर, जी सर, ओके मिलेगा।